ब्रो हाँ सर को फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्लास में हाउस प्रॉपर्टी का फर्स्ट क्लास, उसमें हम लोग जितना प्रोग्रेस किए थे और उससे ही जस्ट वी आर गोइंग अहेड फ्रॉम दैट प्लेस। तो आईसीएआई का जो मैट, लेटेस्ट मैट है, उससे ही मैं प्रोग्रेस करते थे। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड क्लास ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। माई ऑब्जेक्टिव इज टू फिनिश द स्टडी मैट ऑफ आईसीएआई, देन सीएमए, देन कम आउट विद द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स विथ नोट्स विच यू कैन डाउनलोड ऑल्सो, एंड एट द एंड आई विल कम आउट विथ ए सजेशन फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स विथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स एवरीथिंग। फ्रेंड्स, व्हाट एवर, सो लेट अस स्टार्ट। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, because the objective is that the student's education should go free. Hence, you will help me by subscribing it so that there it will be an inspiration. And all, if you have some doubt, you can also ask me with the comments and I will answer your doubt. So let us start. So we had done up to your interest on borrowed capital. Friends, agar koi aadmi loan borrowed before 1499, property is loan is taken for construction, repair, reconstruction, but loan is borrowed the specific date. The loan is borrowed before 1499. And the purpose of the loan is construction, repair, renewal, reconstruction, etc. purchase, etc. Then if it is a self-occupied house, the maximum interest deduction is 30,000. But you have to remember this particular date, before 1499. Agar ye let out or deemed to be let out house property, then there is no limit of interest deduction under section 24B. Whatever the actual interest, that will be deductible. Then comes, what is the position if the loan is taken after 1499? Friends, thoda dhyan se dekhiye. If the loan is taken after 1499, I will divide this into two parts. Before 1499, construction, reconstruction, purchase, repair, renewal. Ye char point ek hi place mein tha. But loan is taken after 1499, I will divide it into two parts. One is your purchase, construction. Another part is your repair, renewal. Ye dono alag cheez hai. Purchase, construction means you are going for a brand new house. Repair, renewal means you are doing something with an existing house.
ये दोनों अलग है फ्रेंड्स. इफ द लोन इज टेकन आफ्टर 1499 एंड लोन द पर्पज ऑफ द लोन इज कंस्ट्रक्शन रिपे कंस्ट्रक्शन एंड परचेस आइदर कंस्ट्रक्शन और परचेस एंड द कंस्ट्रक्शन परचेस इज कंप्लीट विद इन फाइव इयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन व्हिच लोन इज बोरोड और कैपिटल इज बोरोड. आई थिंक हियर देर इज लिटिल बिट डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग. सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू विथ ए एग्जाम्पल यू कैन राइट ऑल्सो. दिस इज द पॉइंट. सपोज द लोन इज टेकन ऑन 1/1/2015 से 5 lakh rupees. 1/1/2015 it is coming under the financial year 2014-15. So the financial year in which the loan is borrowed is 2014-15 को आप छोड़ दीजिए. Now start from 15, 16, 17, 18, 19, 20. 5 years. 5 साल का अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना चाहिए और परचेस वो भी कंप्लीट करना चाहिए. एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ये कंप्लीट करना चाहिए 5 साल का अंदर. जिस ईयर में आप लोन लिए हैं उसी ईयर को छोड़ के नेक्स्ट 5 इयर्स का अंदर ये आपको कंप्लीट करना चाहिए. याद रखिए आप 5 इयर्स. अगर ये 5 साल का अंदर आपका कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन कंप्लीट हो जाते हैं, इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, तब आपको 2 लाख तक इंटरेस्ट छूट मिलेगा, मैक्सिमम 2 लाख. हाउएवर ये 2 लाख छूट देने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट देना है. सर्टिफिकेट फिर कौन देगा ना? आप जहां लोन पेमेंट करते हैं उससे ही आपको सर्टिफिकेट, बैंक में पेमेंट करते हैं या फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पेमेंट करते हैं या आप जो हाउस ओनर उससे आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हैं तो उनसे भी सर्टिफिकेट आपको मिलेगा. सो कहां कहां से सर्टिफिकेट मिलेगा? बैंक से मिलेगा. फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल देगा कि इतना इंटरेस्ट, इतना प्रिंसिपल. या आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करेंगे बिल्डर को, सो बिल्डर से सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप कितना इंटरेस्ट पेमेंट किए हैं, कितना इंटरेस्ट टोटल ड्यू है. ये सर्टिफिकेट अगर आप प्रोड्यूस कर सकते हैं तब आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का ऊपर 2 लाख रुपया तक छूट मिलेगा. फ्रेंड्स, अगर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन ये दोनों वार 5 इयर्स, ये एक इंपॉर्टेंट वार 2 लाख सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी. अगर हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट, तब ये जो लिमिट है दैट लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल. फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट इज लोन टेकन आफ्टर 1/4/2099
ऑन और आफ्टर, पहले था बिफोर 1499, ये जो पॉइंट है दिस इज ऑन और आफ्टर 1499, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन और आफ्टर. नाउ द लोन इज टेकन फॉर रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन रिन्यूअल ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी. फ्रेंड्स, ये वर्ड एप्लीकेबल नॉट ए फॉर ए वेरी न्यू प्रॉपर्टी. कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है उसको रिपेयर करने के लिए, रिन्यूअल करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए आप अगर लोन लेते हैं और लोन का डेट आपका वन ऑन और आफ्टर 1499, इससे सेल्फ ऑक्यूपाइड होता है हाउस प्रॉपर्टी, तो आपको 30,000 का छूट मिलेगा. सो डिडक्शन इन दिस केस अंडर 24B इज 30,000 मैक्सिमम. अगर एक्चुअल आपका काम है तो एक्चुअली डिडक्शन होगा. फ्रेंड्स, इसलिए आपको ये दोनों चीज अच्छा से याद रखना है. अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है या डीम्ड टू बी लेट आउट है तब ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, ये आप अच्छा से समझ लीजिए. फिर मैं एक चीज आपको बोलते हैं जहां कि दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. अगर आप दोनों लोन लिए हैं, एक तो कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हैं या एक्विजिशन के लिए, परचेस के लिए, सेकेंड इज योर रिपेयर के लिए भी लिए हैं, थोड़ा दिन का बाद आप रिपेयर के लिए ही लिए हैं. मान लीजिए कि परचेस का टाइम में आप 10 लाख लोन लिए थे, कुछ अभी भी आउटस्टैंडिंग है, 2-3 साल का बाद, 4 साल का बाद आप रिपेयर करने के लिए, कुछ दूसरा चेंज करने के लिए आप फिर लोन लिए हैं, तब ये दोनों उधर 2 लाख इधर 30,000, क्या 2,30,000 आपको डिडक्शन मिलेगा? याद रखिए फ्रेंड, ये दोनों मिला के आपको 2 लाख मैक्सिमम डिडक्शन होगा. सर्टिफिकेट तो आपको प्रोड्यूस करना है, फिर भी दोनों मिला के 2 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट डिडक्शन नहीं मिलेगा. फिर मैं दूसरा चीज आपको बोलते हैं, ये जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी है, एसएससी कैन ऑप्ट फॉर 2 हाउसेस एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी. मान लीजिए कि आपका 4 हाउसेस सेल्फ ऑक्यूपाइड, तब आप 4 हाउसेस के हाउसेस को इनकम टैक्स में सेल्फ ऑक्यूपाइड शो कर नहीं पाएंगे. मैक्सिमम 2 हाउस प्रॉपर्टी यू कैन शो एज सेल्फ ऑक्यूपाइड. फ्रेंड्स, ये दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में आपको टोटल इंटरेस्ट छूट कितना मिलेगा? 2 लाख 2 लाख 4 लाख, आदमी वही सोचते हैं. फ्रेंड्स, याद रखिए, अब दोनों हाउस परचेस किए हैं लोन लेके, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड आप शो करते हैं, ये दोनों मिला के आपको 24B में आपको 2 लाख का छूट होगा, मैक्सिमम 2 लाख. इसको भी थोड़ा याद रखना चाहिए. अगर 2 हाउस है सेल्फ ऑक्यूपाए, क्या हमको 2 लाख 2 लाख 4 लाख मिल जाएगा? नहीं, मैक्सिमम 2 लाख है, जो 24B का अंदर डिडक्शन में बोलते हैं. नाउ लेट अस कम टू योर इलस्ट्रेशन 3.
आप स्क्रीन पर देखते हैं इलास्ट्रेशन थ्री, मिस्टर मानस ओन टू हाउस प्रॉपर्टी मुंबई व्हेयर इन हिज फैमिली रिजाइड्स एंड अदर एट दिल्ली व्हिच इज ऑक्यूपाइड। सो उनका मुंबई में एक घर है और दिल्ली में और भी एक घर है। ही लिव्स इन चंडीगढ़ फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट पर्पज इन ए रेंटेड हाउस। सो दोनों सेल्फ ऑक्यूपाइड है बट चंडीगढ़ में वो रहते हैं। फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एट बॉम्बे ही हैज टेकन ए लोन ऑफ 30 लाख 18% ऑन 1/4/2021। ही हैज नॉट रिपेड। इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इन दिल्ली ही हैज टेकन ए लोन ऑफ 5 लाख एट 11% फॉर रिपेयर्स कंप्यूट डिडक्शन। सो एक हाउस प्रॉपर्टी, दोनों ही सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक हाउस प्रॉपर्टी के लिए 30 लाख लोन लिए हैं, दूसरा हाउस प्रॉपर्टी के लिए रिपेयर के लिए 5 लाख लोन लिए हैं। कंप्यूट डिडक्शन 24B में आपका डिडक्शन कितना होगा, मैं आपको बोले हैं। अगर 24B में दोनों, एक रिपेयर और एक परचेस कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन के लिए लिए हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन आपको 2 लाख। अगर एक्चुअल 2 लाख से कम होगा तब आपको एक्चुअल जितना वही लगेगा, डिडक्शन मिलेगा। सो लेट अस कम टू द डिस्कशन। ये आप देखते हैं कि 30 लाख अगर 10% इंटरेस्ट होता है क्योंकि लोन पूरा आउटस्टैंडिंग है, सो आपका इंटरेस्ट आता है 3 लाख। 3 लाख में आपका रेस्ट्रिक्शन कितना ना 2 लाख, क्योंकि 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, इसलिए आउटर कॉलम में 2 लाख ले लिए। और फॉर रिपेयर के लिए जो लोन लिए हैं 55,000, रिपेयर के लिए 1499 का बाद अगर लिए हैं तो मैक्सिमम 30,000 होता है। सो ये 30,000, तब आप लोग सोचते हैं कि 2 लाख 30,000 आपको डिडक्शन मिल जाएगा, नहीं, आपको मैक्सिमम डिडक्शन अंडर 24B ये 0.1 और 0.2 दोनों मिला के 2 लाख से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। सो इसमें भी आपको एक सर्टिफिकेट देना है, मैं जो आपको बोले हैं, जो लोन आप लिए हैं जहां इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक, कोई लेंडर होता है, मे बी यू हैव एग्रीड टू पे बाय इंस्टॉलमेंट टू द हाउस ओनर, ये भी हो सकता है। ये सब जहां भी आप पेमेंट करते हैं टोटल इंटरेस्ट कितना ड्यू उसका एक और पेमेंट कितना, ये सर्टिफिकेट आपको लेके प्रोड्यूस करना है 2 लाख क्लेम करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स। ये जो प्रॉब्लम ये हो गया, द सीलिंग लिमिट वुड नॉट अप्लाई टू लेट आउट, ये तो मैं आपको बोले हैं कि लेट आउट डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी के लिए कोई लिमिट नहीं है इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन एक्रुअल बेसिस, ये भी हमको, मैं आपको बार बार बोले हैं। अनपेड प्राइस विल बी टेकन एज कैपिटल बोरोड, इसका मीनिंग क्या है आप तो इसको पढ़ेंगे फिर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोल देते हैं। जो अनपेड परचेस प्राइस, मान लीजिए कि मैं एक बिल्डर से 30 लाख दे करके मकान परचेस किए और 30 लाख से मैं डाउन पेमेंट कर दिए 5 लाख और एक साल में पेमेंट किए 5 लाख, उसमें प्रिंसिपल है 2 लाख इंटरेस्ट 3 लाख, इंटरेस्ट का बात आप छोड़ दीजिए। सो मैं टोटल कितना पेमेंट किए प्रिंसिपल 30 लाख, ये हाउस का था, आप लिख भी सकते हैं कि हाउस प्रॉपर्टी परचेज फॉर 30 लाख,
डाउन पेमेंट तो प्रिंसिपल के लिए होता है 5 लाख, और कितना आउटस्टैंडिंग? 25 लाख। 25 लाख से मैं फिर ड्यूरिंग द ईयर जो पेमेंट किए उसमें प्रिंसिपल कितना? ना 2 लाख। सो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरा अनपेड परचेस प्राइस, अनपेड बोरोइंग कितना? ना 23 लाख। पहले 30 लाख था, 5 लाख डाउन पेमेंट, और ड्यूरिंग द ईयर में जो 5 लाख पेमेंट किए हैं इंस्टॉलमेंट, उसमें 2 लाख आपका प्रिंसिपल, तो टोटल 7 लाख पेमेंट हो गया। 23 लाख इज आउटस्टैंडिंग। ये 23 लाख को हम लोग सोचेंगे कि दिस इज द अमाउंट बोरोड, सो उसका ऊपर फिर नेक्स्ट ईयर में जितना इंटरेस्ट होगा वो आपको छूट मिलेगा अंडर सेक्शन 24। सो अनपेड अमाउंट इज कंसीडर एज बोरोड कैपिटल। फ्रेंड्स ये देखिए, सपोज आई कुड नॉट पे द इंस्टॉलमेंट, तो इंटरेस्ट आई कुड नॉट सर्व, मैं इंटरेस्ट पेमेंट कर नहीं पाए, फिर क्या होगा? ना बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट का ऊपर फिर इंटरेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट है, मान लीजिए कि लास्ट ईयर में मेरा इंटरेस्ट था 3 लाख, लास्ट ईयर में पेमेंट कर नहीं पाए, 10% इंटरेस्ट, तो 3 लाख का ऊपर इंटरेस्ट कितना? 30,000। क्या ये 30,000 हमको डिडक्शन मिलेगा? नहीं, इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट जो होगा ये 30,000 आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। 24B में इंटरेस्ट ऑन अनपेड इंटरेस्ट इज नॉट डिडक्टेबल, ये आप इधर भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स सो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी से क्या क्या डिडक्शन होता है उसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि हम लोग पूरा डिटेल पढ़ते हैं आपका स्टडी मेट। इसी स्टडी मेट में पूरा कवरेज अच्छा से हुआ है, इसलिए मैं सोचे कि ICI स्टडी मेट को थ्योरी प्रॉब्लम एवरीथिंग कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद जब CMA स्टडी मेट में जाएंगे तब प्रॉब्लम करेंगे, क्योंकि थ्योरी और कुछ नहीं बचेगा। ये आपका BCom स्टूडेंट होने से भी पूरा जरूरी है, क्योंकि जितना भी प्रोविजन है, प्रोविजन तो सेम है बट प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग अलग होता है। सो लेट अस कम टू डिडक्शन फ्रॉम नेट एनुअल वैल्यू। आपको बेसिकली दो टाइप का हाउस प्रॉपर्टी होता है, एक होता है आपका लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी जो आप देखते हैं इधर, एक लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी और एक डीम टू बी लेट आउट। इसमें लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होगा तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A में मिल जाएगा कितना? 30% ऑफ नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू कैसे मिलेगा? ग्रॉस एनुअल वैल्यू माइनस म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपल टैक्स जो SSC पेमेंट करते हैं, जो ओनर पेमेंट करते हैं। देन कम्स द इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, दैट इज 24B। फ्रेंड्स मैं आपको अभी बोले थे अगर लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी या डीम टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होगा तो आपका जितना भी इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, कोई लिमिट नहीं है, पूरा ही आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 24B में। देन कम्स द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस,
उसका बारे में पूरा में डिस्कशन आपको किए हैं। फिर भी ये देखिए फ्लो चार्ट, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, लोन फॉर रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन मैक्सिमम 30,000 में, थोड़ा टाइम का आ गया आपको बोले थे, और लोन इज टेकन बिफोर 1499, तब आप कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन परचेस रिपेयर रिन्यूअल कुछ भी करते हैं तो 30,000, ऑन और आफ्टर 1499 तब आप दोनों में भाग कर दीजिए। अगर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन होगा तो 2 लाख जो आप स्क्रीन पर देखते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन रिपेयर कंस्ट्रक्शन एक्विजिशन नहीं है, लोन इज फॉर रिपेयर रिन्यूअल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, तब मैक्सिमम 30,000। ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए। फ्रेंड्स फिर इधर देख लीजिए, ये फॉर्मेट है। सो आप जब पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ने का बाद थोड़ा रिमेंबरिंग टेक्निक अप्लाई कीजिए। आंख बंद करके आप सोच लीजिए कि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपने पढ़े हैं उसको रिमेंबर करने के लिए कोशिश कीजिए। तो रिमेंबर एक बार करने से, अगर आप 7 डेज का अंदर और एक बार रिमेंबर कर लेते हैं तो ये आपको जिंदगी भर याद रहेगा। लेट अस नाउ कम टू इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जो लेट आउट हाउस, उसको कंप्यूटेशन कैसे होता है, ये फॉर्मेट है। इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको तो मैं पूरा डिटेल डिस्कशन किए हैं। फिर आपको वन पॉइंट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग योर अनरियलाइज्ड रेंट। फ्रेंड्स अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर इज डिडक्टेबल। अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर इज डिडक्टेबल। फ्रेंड्स अनरियलाइज्ड रेंट डिडक्शन होने के लिए रूल 4, इनकम टैक्स का जो रूल है, रूल 4 को फॉलो करना चाहिए। रूल 4 में हम लोग क्या करते हैं ना, एक्चुअल रेंट से जो एनुअल रेंट होता है, एनुअल रेंट से अनरियलाइज्ड रेंट ऑफ द प्रीवियस ईयर को माइनस कर देते हैं, सो दैट वी आर गेटिंग द एक्चुअल रेंट, एंड दैट एक्चुअल रेंट इज कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड रेंट। बट आप इनकम टैक्स का जो साइट है, अगर आप रिटर्न भरते हैं, उधर थोड़ा अलग होता है। उधर बोलता है कि आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू से अनरियलाइज्ड रेंट को डिडक्शन करने के लिए, ये आप देख लीजिए अल्टरनेटिव व्यू क्या है। अनरियलाइज्ड रेंट फ्रॉम ग्रॉस एनुअल वैल्यू, अगर इसी व्यू को हम लोग पकड़ते हैं जो इनकम टैक्स रिटर्न पोर्टल में जो है, द अनरियलाइज्ड रेंट शुड बी डिडक्टेड आफ्टर कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। थोड़ा आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट करके देखिए, दोनों व्यू है। एक प्रॉब्लम करते हैं एग्जाम में, रूल 4 फॉलो करके, रूल 4 भी इनकम टैक्स का है, तब आप एक्चुअल रेंट मिलने के लिए अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर दीजिए। इफ योर एनुअल रेंट इज 2 लाख, अनरियलाइज्ड रेंट इज 40,000, सो एक्चुअल रेंट इज योर 1,60,000। मैं इधर माइनस कर देते हैं, उसका बाद हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट को कंपेयर करके जो करना है आपको, मैं बोले हैं फ्लो चार्ट में वही अप्लाई करते हैं। ता माने आपका अनरियलाइज्ड रेंट हम लोग डिडक्शन कर देते हैं, उसका बाद
ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं। इनकम टैक्स पोर्टल में ठीक रिवर्स होता है। क्या होता है ना, ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने का बाद आप अनरियलाइज्ड रेंट को माइनस कर दीजिए। इन दिस केस दिस टू व्यूज आर डिफरेंट। ये जो टू दो व्यू है डिफरेंट, कहां कहां आंसर थोड़ा अलग होता है और कहां कहां आंसर आपका सेम आता है, मैं वो भी आपको दिखाएंगे। बट तब एग्जाम में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, मेरा ये आपको एडवाइस है, आप रूल 4 फॉलो करके, ये जो फॉर्मेट आप देखते हैं, आप रूल 4 फॉलो करके आप प्रॉब्लम कर दीजिए। और अल्टरनेटिव व्यू आप थोड़ा नीचे नोट हिसाब से, अगर आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू से अनरियलाइज्ड रेंट माइनस होगा तब उसका बाद म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, नेट एनुअल वैल्यू कितना होगा उसको थोड़ा लिख दीजिए, थोड़ा नोट दे दीजिए, जे एज पर इनकम टैक्स पोर्टल दिस इज द रूल्स, दिस इज द प्रोसीड्योर एंड एज पर रूल 4 वी हैव डन द प्रॉब्लम। तब फ्रेंड्स ये दोनों व्यू को हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं एग्जाम में, बट मेन जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो आपका रूल 4 इसी फॉर्मेट को लेकर के सॉल्व करेंगे। और अगर आप कोई बीकॉम का स्टूडेंट होते हैं तब आपको ये सब करना जरूरी नहीं, आप सिर्फ ये फॉर्मेट को फॉलो कर दीजिए, आपको ये नोट देना ये जरूरी नहीं है। देन यू कम टू योर इलास्ट्रेशन 4। अनिरुद्ध हैज ए प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू इज 1,30,000 पर एनम। The fair rent 1,10,000, standard rent 1,20,000. Property was let out at a rent of 11,000 per month. Unrealized rent 11,000. Rule 4 satisfied. Paid municipal tax 10%. Interest 40,000. Compute income from house property. Friends, ये तो पता है कि आपको म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000, फेयर रेंट 1,10,000, विच एवर इज हायर, ये 1,30,000 जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट आपका 1,20,000, विच एवर इज लोअर, सेकेंड स्टेप जो हम लोग क्लास 1 में फर्स्ट क्लास में डिस्कशन किए थे। सो 1,20,000 आपका स्टैंडर्ड रेंट 1,20,000 होता है, एक्चुअल रेंट आपका 11,000 करके पर मंथ, और 12 मंथ अगर होगा, इधर वैकेंसी कुछ नहीं बोला है, 12 मंथ होगा तो आपका टोटल होगा 11,000 इंटू 12, इट कम्स टू 1,32,000, दिस इज एनुअल रेंट। बट एक्चुअल रेंट आपको कितना 1,32,000 से 11,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि अनरियलाइज रेंट 11,000 है, ये रूल 4 का। फिर मैं आपको बोलेंगे कि इनकम टैक्स पोर्टल में क्या होता है, इनकम टैक्स फाइलिंग में क्या होता है। सो फ्रेंड्स 1,32,000 से अनरियलाइज रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, अगर कौन सा ईयर का अनरियलाइज रेंट नहीं बोला है एग्जाम में, तब आप सोच लीजिए दिस इज जो अनरियलाइज रेंट एग्जाम में आपको दिए हैं, दिस इज फॉर द करेंट फिनेंशियल ईयर, सो आप उसको माइनस कर दीजिए। सो 1,32,000 से 11,000 माइनस करेंगे तो एक्चुअल रेंट हमको मिलेगा 1,21,000, ये आपका एक्चुअल रेंट। ये 1,21,000 और 1,20,000 एक्सपेक्टेड रेंट, आपका एक्चुअल रेंट ज्यादा है,
सो एक्चुअल रेंट अगर ज्यादा है तो आपको एक्चुअल रेंट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। स्टेप थर्ड में वही था, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू से मैं म्यूनिसिपल टैक्स को माइनस कर देंगे, जो म्यूनिसिपल वैल्यू का ऊपर 10% 1,30,000 का 10% 13,000। सो 13,000 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 1,08,000, ये नेट एनुअल वैल्यू, राइट। नेट एनुअल वैल्यू से अगर आप डिडक्शन अंडर 24 करते हैं तो आपको 30% डिडक्शन होगा। 30% में आपका 32,400, और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल तो आपको 40,000 का दिया है, सो आप टोटल ऐड कर दीजिए 72,400। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 35,600। फ्रेंड्स, ये रूल 4 में फॉलो किए, जो कि आप एग्जाम में फॉलो करेंगे, ठीक है। इसमें देखिए इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है, आप अगर थोड़ा ध्यान से सुनते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, जो अल्टरनेटिव व्यू है, अल्टरनेटिव व्यू बोलता है कि आप इधर जो 11,000 माइनस किए उसको मत कीजिए, आप एक्चुअल रेंट को सोचिए कि 1,32,000, 11,000 को माइनस मत कीजिए। सो आपका एक्चुअल रेंट 1,32,000, सो 1,32,000 आपका 1,20,20 जो एक्सपेक्टेड रेंट है उससे ज्यादा है, इसलिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका 1,32,000 होगा, जो अल्टरनेटिव व्यू है। एक्चुअल रेंट 1,32,000 से ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका 1,32,000 हो जाएगा, और 1,32,000 से आप अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दीजिए 11,000, आप म्यूनिसिपल टैक्स उसको भी माइनस कर दीजिए 13,000, सो 11 + 13, 24,000 माइनस हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू, माइनस इधर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका 1,21,000, अल्टरनेटिव व्यू जो है इसमें 1,32,000, 1,32,000 से आप 11,000 अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर दीजिए, और जो म्यूनिसिपल टैक्स उसको भी आप 13,000 माइनस कर दीजिए, तो आपको नेट एनुअल वैल्यू 1,08,000 मिलेगा। फ्रेंड्स, इसी प्रॉब्लम में जो रूल 4 का व्यू और जो अल्टरनेटिव व्यू, ये दोनों में आपका नेट एनुअल वैल्यू 1,08,000 है, इसलिए कोई फर्क नहीं है, ठीक है, कोई फर्क नहीं है। बट प्रॉब्लम इज ऑल्सो देयर, आई विल कम टू दैट वन, जहां की फर्क होता है, सो आपको उसको भी आप देख लेंगे। फ्रेंड्स, लेट अस कम टू, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू कैनॉट अंडरस्टैंड एनी प्रॉब्लम, प्लीज टेल द पेज नंबर एंड द प्रॉब्लम नंबर इन योर कॉमेंट्स। आई विल डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट दिस इन द नेक्स्ट वीडियो, सो दैट इट विल बी क्लियर फॉर यू। Friends, let us now come to the next part, that is let out property vacant for the part of the year. So first था ये let out property, ये क्या है ना, partly vacant partly let out, partly vacant partly let out, उसके लिए द रूल ऑफ फाइंडिंग ग्रॉस एनुअल वैल्यू इज सेम। एक तो रूल 4 का वैल्यू, रूल 4
उसको फॉलो करने करके हम लोग प्रॉब्लम कर सकते हैं अनरियलाइज रेंट के लिए। फ्रेंड्स, रूल फोर सिर्फ अनरियलाइज रेंट के लिए, ऑल्टरनेटिव व्यू भी अनरियलाइज रेंट के लिए। तो ये फॉर्मेट हम लोग डिस्कशन कितना बार किए हैं, सो इसलिए मैं उसको डिस्कशन नहीं करते हैं ज्यादा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसका ऊपर उसको करेंगे, दैट इज योर इलास्ट्रेशन 5। फ्रेंड्स, गणेश है जे प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यूएशन 250,000 पर एनम, द फेयर रेंट इज 2 लाख पर एनम, स्टैंडर्ड रेंट अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट 2,10,000, प्रॉपर्टी इज लेट आउट 20,000 पर मंथ, टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी 31/1/2023, दैट मीन्स 2 मंथ्स फेब्रुआरी और मार्च 2023 इट रिमेन वैकेंट, अनरियलाइज रेंट 20,000, म्युनिसिपल टैक्स 8%, इंटरेस्ट 65,000, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, असेसमेंट ईयर 23-24। फ्रेंड्स, इसके लिए फिर आप जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू डिटर्मिनेशन का चार्ट आप फॉलो कर लीजिए, हो जाएगा। म्युनिसिपल वैल्यू 2,50,000 और फेयर रेंट आपका 2 लाख, सो दोनों में जो ज्यादा है उसको पकड़ेंगे 2,50,000 और स्टैंडर्ड रेंट 2,10,000। स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होगा इसलिए 2,10,000 आपका एक्सपेक्टेड रेंट, और प्रॉपर्टी वाज लेट आउट फॉर ए 20,000 पर मंथ, ये 20,000 करके साल में कितना होता है ना, 2,40,000। 2,40,000 से आपका 2 मंथ्स तो वैकेंट था, सो उसको अगर माइनस कर देते हैं तो 2 लाख। 2 लाख से अगर आप 20,000 जो अनरियलाइज रेंट है, दिस इज योर रूल 4 फॉलो करते हैं, अनरियलाइज रेंट इधर माइनस कर देते हैं तब 1,80,000 आता है। फ्रेंड्स, अगर 1,80,000 है तब एक्सपेक्टेड रेंट 2,10,000, एक्चुअल रेंट 1,80,000, किसके लिए कम हो गया, एक्चुअल रेंट लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट ड्यू टू वैकेंसी। आप वैकेंसी 2 मंथ्स का 40,000 आप ऐड कर दीजिए, 1,80,000 प्लस 40, इट विल कम टू 2,20,000, सो 2,20,000 हो जाएगा। दैट मीन्स द एक्चुअल रेंट इज लेस ड्यू टू वैकेंसी, सो इफ एक्चुअल रेंट इज लेस ड्यू टू वैकेंसी तब एक्चुअल रेंट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। So, 1,80,000 आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। फ्रेंड्स, फिर म्युनिसिपल टैक्स अगर मैं माइनस कर देते हैं, म्युनिसिपल टैक्स आपका म्युनिसिपल वैल्यू का ऊपर होगा 2,50,000 इंटू 8%, सो टोटल 20,000, 1,60,000, इससे आपको 30% जो डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A वो आपको मिल जाएगा। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल वो आपका 65,000, जो लिमिट नहीं है वो लोग दिए हैं इधर, उसमें कोई कंप्यूटेशन जरूरी नहीं है क्योंकि वो पार्टली लेट आउट एंड पार्टली वैकेंट प्रॉपर्टी, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, सो 65,000 लेस हो जाएगा आपको, 47,000 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा। अगर मैं अल्टरनेटिव व्यू को पकड़ेंगे तो फ्रेंड्स, इधर जो 20,000 में माइनस किए उसको नहीं करेंगे, इधर दिखाएंगे कि 2 लाख, इधर माइनस नहीं होगा, सो 2 लाख विल बी योर एक्चुअल रेंट। ये 2 लाख और 2,10,000
10, actual rent is less than expected rent, then actual rent आपका एनुअल वैल्यू हो जाएगा, ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगा 2 लाख। ये 1,80,000 नहीं होगा अल्टरनेटिव व्यू में। मैं आपको बोले बार बार कि अल्टरनेटिव व्यू आप मत कीजिए, मेन प्रॉब्लम में वो इनकम टैक्स पोर्टल में आपका होता है, इसलिए दोनों ही तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही निकला है, बट इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सियल है, इसलिए आप रूल फोर फॉलो करके प्रॉब्लम कीजिए और उसको एक नोट दे दीजिए। एंड ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका हो जाएगा 1-2 लाख, उससे आप अनरियलाइज रेंट 20,000 माइनस कीजिए और म्यूनिसिपल टैक्स भी माइनस कर दीजिए 20,000, हो जाएगा 1,60,000। सो अल्टरनेटिव व्यू में भी आपका नेट एनुअल वैल्यू 1,60,000 है, कोई डिफरेंस नहीं है। सो कुछ प्रॉब्लम है जहां डिफरेंस होगा, ये भी मैं डिस्कशन में आएंगे। सो फ्रेंड्स, इसमें 30% और एक्चुअल बोरोड कैपिटल माइनस इंटरेस्ट 24B में माइनस करने का बाद आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 47,000 हो जाएगा। सो दिस विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, मैं सोचते हैं कि आप लोग समझते हैं। सो लेट अस प्रोसीड फॉर द सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी और अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड और अनऑक्यूपाइड, दैट मीन्स अनऑक्यूपाइड मतलब द हाउस वॉज वैकेंट थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि थोड़ा दिन के लिए रेंट में दिए, थोड़ा दिन के लिए वैकेंट। अगर हाउस प्रॉपर्टी थोड़ा दिन के लिए रेंट में दिए, थोड़ा दिन के लिए वैकेंट है, तो अब ये आपका लेट आउट हाउस का तरफ कैलकुलेशन होगा। अगर पूरा थ्रू आउट द ईयर आपका अनऑक्यूपाइड या वैकेंट है, तब ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का तरह आपका कैलकुलेशन होगा। फ्रेंड्स, एनुअल वैल्यू ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी इज नील, ये आपको पता है। एनुअल वैल्यू ऑफ अनऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, साल भर ये वैकेंट था, साल भर अनऑक्यूपाइड था, तब उसका एनुअल वैल्यू भी आपका नील हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो आपका डिडक्शन है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, उसमें आपको इंटरेस्ट का जो 2 लाख का रेस्ट्रिक्शन, 30,000 का रेस्ट्रिक्शन, दोनों मिला के 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा, ये एप्लीकेबल है, उसको हम लोग अच्छा से डिस्कशन किए हैं इसी क्लास में। फ्रेंड्स, लेट अस कम टू इलस्ट्रेशन 6। सो आप लोग देखते हैं ये क्वेश्चन को, रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी, दैट मींस दिस इज योर फेयर रेंट। फेयर रेंट कितना? 25,000 पर मंथ। अगर फेयर रेंट 25,000 पर मंथ, तो साल में आपका 3 लाख आएगा, 25,000 इंटू 12। द म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 2,80,000, जो ज्यादा है वही लेंगे ना। स्टेप 1, आपका 3 लाख लेंगे और म्यूनिसिपल टैक्स 8,000। द हाउस कंस्ट्रक्शन बिगिन इन अप्रैल 2016, 20 लाख लोन फ्रॉम SBI 9%। लोन का डेट को आप पेपर में लिख लीजिए 1/4/2016।
आप थोड़ा टाइम यूटिलाइज करके खाता में लिखिए 1/4/2016 DCGO डेट ऑफ लोन और लोन अमाउंट इज 20 लाख। मैं आपको फर्स्ट क्लास में बोले कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। सो आप खाता यूज करके थोड़ा लिख लीजिए कि 1/4/2016 में डेट ऑफ लोन लोन अमाउंट इज योर 20,000, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट 30/11/2018। मैं आपको फर्स्ट क्लास में बोले थे कि आप जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है उसका पीछे वाला मार्च को चल जाइए। सो 31/3/2018, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट जो सीसी सर्टिफिकेट आपको मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसका डेट है 30/11/2018। उसका पीछे वाला मार्च में चल जाइए 31/3/2018। सो फ्रेंड्स, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आप लिख लीजिए 1/4/2016 से 31/3/2018, 1/4/2016 से 31/3/2018, ये 24 मंथ्स और 2 इयर्स। सो 2 इयर्स के लिए हम लोग को इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना है 20 लाख, उसका 9% करके 24 मंथ्स के लिए। सो 20 लाख इंटू 9%, तब 1,80,000। अगर 24 मंथ्स या 2 साल के लिए कैलकुलेशन करते हैं तब आपका आएगा 3,60,000। और 3,60,000 आपका इंटरेस्ट आएगा जो कि आपका प्राय प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, दैट इज 1/4/2016 से 31/3/2018। सो 2 साल के लिए आपका इंटरेस्ट होता है 3,60,000। आप 5 साल में उसको छूट मिलेगा, कौन से ईयर से ना 2018-19 से, 18-19 में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। सो जो फिनेंशियल ईयर में, जो प्रीवियस ईयर में आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है उसको पकड़ के आप 5 साल चलिए। सो 18-19 में आपको 72,000 छूट मिलेगा। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 5, ये आपका 72,000 होता है। सो प्रायर पीरियड इंटरेस्ट इज 72,000 और जो करेंट इंटरेस्ट है 2,40,000 पेमेंट किया, उसमें इंटरेस्ट करेंट ईयर इंटरेस्ट 1,80,000। ये तो आपको फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक जहां भी आप पेमेंट करते हैं उससे सर्टिफिकेट लेने से आपको पता हो जाएगा। सो आपका डिडक्शन 24B में कितना होगा, जो करेंट ईयर इंटरेस्ट 1,80,000 और ये जो 72,000, टोटल होगा 2,52,000। 1,80,000 प्लस 72 आप कर दीजिए, ये हो जाएगा 2,52,000। 2,52,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के लिए आपको नहीं मिलेगा, कितना मैक्सिमम 2 लाख। सो आपका डिडक्शन आपका 2 लाख और उसका एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी और पूरा वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी, इसका एनुअल वैल्यू आपका नील, नील से आप 2 लाख को माइनस कर देते हैं, आपका लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2 लाख हो जाएगा। देन ये
आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये थोड़ा आप लोग फर्स्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कशन किए थे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और इधर जो डिस्कशन किए हैं, आप दोनों को मिला के अगर एक बैठ के प्रिपेयर कर लेते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, तब आपका फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा और आपको 100% प्रॉब्लम करेक्ट रहेगा एग्जाम में। सो फ्रेंड्स, देन वी शैल कम टू हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर द पार्ट ऑफ द ईयर, दैट इज पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर इस तरफ होता है कि पार्टली लेट आउट पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, उसको आप लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी पकड़ के आप चलिए, एंड जो भी आपका फॉर्मेट है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसको आप अप्लाई कीजिए, म्यूनिसिपल टैक्स को भी माइनस कीजिए और जो डिडक्शन उसको दे दीजिए, द फॉर्मेट इज सेम। बट जो अल्टरनेटिव व्यू और अनरियलाइज रेंट अगर कुछ रहेगा तो रूल 4 फॉलो करके आप कैलकुलेशन कीजिए, जिस तरह मैं दोनों प्रॉब्लम में आपको समझाए। ये तो फॉर्मेट है, फिर प्रॉब्लम में हम आएंगे। और ये जो अल्टरनेटिव व्यू है इनकम टैक्स साइट में जो देता है, उसको आप नोट हिसाब से दे दीजिए। सो फ्रेंड्स, लेट अस कम टू इलस्ट्रेशन 7। सो इलस्ट्रेशन 7 को हम लोग करेंगे, लेट अस सी। ये राजलक्ष्मी ओन्स ए हाउस प्रॉपर्टी इन अदियर चेन्नई, द म्युनिसिपल वैल्यू इज 5 लाख, फेयर रेंट 4,20,000, स्टैंडर्ड रेंट 4,80,000, प्रॉपर्टी लेट आउट 50,000 पर मंथ अप टू डिसम्बर तक, उसका बाद वैकेंट है, दैट मीन्स 3 मंथ्स वैकेंट, दिसंबर तक रेंट में है, दैट मीन्स रेंट फॉर 9 मंथ और 3 मंथ इज योर वैकेंट, और म्युनिसिपल टैक्स आपका 12%, इंटरेस्ट 25,000 पेमेंट किए हैं, कंप्यूट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, ये आप देखते हैं कि 5 लाख और 4,20,000 स्टेप 1 जो ज्यादा होगा उसी को लेंगे, आपका 5 लाख, फिर स्टैंडर्ड रेंट 4,80,000, तो 4,80,000 इज योर एक्सपेक्टेड रेंट। फ्रेंड्स, अब एक्चुअल रेंट में आएंगे, इधर आपको अनरियलाइज रेंट बोला है 50,000 पर मंथ अप टू डिसंबर, देयर आफ्टर इट इज वैकेंट। सो फ्रेंड्स, अनरियलाइज रेंट द टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी लेट आउट 50,000 पर मंथ अप टू डिसंबर, देयर आफ्टर टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी, रेंट फॉर द मंथ ऑफ नवंबर डिसंबर कुड नॉट बी रियलाइज, दिस इज योर अनरियलाइज्ड रेंट इन स्पाइट ऑफ ओनर्स इफोर्ट, रूल 4 सैटिस्फाइड। फ्रेंड, ये रूल ये हमको देखना चाहिए। सो आपका 9 मंथ जो है, 9 मंथ रेंट में था, 9 मंथ इंटू 50,000 इट कम्स टू 4,50,000। 4,50,000 से आपका जो अनरियलाइज रेंट है वो नवंबर दिसंबर का 1,50,000 करके पर मंथ 2 मास के लिए, सो इट कम्स टू 1,00,000। आप अनरियलाइज रेंट माइनस कर दीजिए बिकॉज दे आर सैटिस्फाइंग रूल 4। सो 4,50,000 से अगर आप 1,00,000 माइनस कर देते हैं तो आपका एक्चुअल रेंट आएगा 3,50,000।
I think it is clear to you. So compute your now expected rent 4,80,000 or actual rent is 3,50,000. क्यों ये 3,50,000 हो गया? Because of ये तो 2 साल vacant था, फिर इसलिए 3,50,000 हो गया. फिर unrealized rent था, ये vacant कितना ना January, February, March, 3 months vacant, 2 मास का unrealized rent. ध्यान से देखिए, 9 मंथ में आपका होता है 4,50,000, मैं 3 मंथ्स आउट कर दिए. सो 9 मंथ को हम लेते हैं तो जितना वैकेंट था उसको मैं आउट कर दिए 4,50,000, उससे अनरियलाइज रेंट माइनस कर देते हैं 3,50,000 और एक्चुअल रेंट आपका 3,50,000 होता है. एक्सपेक्टेड रेंट इज 4,80,000. 3,50,000 से अगर मैं वैकेंसी को ऐड करेंगे, वैकेंसी तो नहीं था, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया, ये वैकेंसी नहीं है. वैकेंसी एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड बोथ आर डिफरेंट फ्रेंड. इसलिए आपका एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू. एक्सपेक्टेड रेंट माइनस वैकेंसी, वैकेंसी तो नहीं है, ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी ये पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्टली लेट आउट. जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हो गया उसको मैं वैकेंसी नहीं बोल सकते हैं. सो इसलिए 4,80,000 इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्योंकि वैकेंसी नहीं है. एक्चुअल रेंट इज लेस देन एक्सपेक्टेड रेंट, इसलिए ड्यू टू अदर फैक्टर्स नॉट वैकेंसी, देयरफोर द एक्सपेक्टेड रेंट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू. सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4,80,000 हो गया. म्युनिसिपल टैक्स आप म्युनिसिपल वैल्यू का ऊपर कैलकुलेशन कर दीजिए. जो म्युनिसिपल वैल्यू 5,00,000 उसको 12% 60,000. सो नेट एनुअल वैल्यू इज योर 4,20,000. उससे आपको 30%, 4,20,000 का 30% आपका 1,26,000. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल इज 25,000. ये टोटल कर लीजिए, आपको 2,16,000 इज योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो फ्रेंड्स, अगर आप अल्टरनेटिव सोचते हैं कि इसी प्रॉब्लम को थोड़ा आप ध्यान से देखिए. दिस इज ए पर्टिकुलर केस एंड दिस इज द प्रॉपर्टी इज वैकेंट फ्रॉम डिसेंबर, बट आफ्टर डिसेंबर जनवरी फरवरी मार्च द ओनर ऑक्यूपाइड द हाउस प्रॉपर्टी एंड इट बिकम्स ए सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. अगर मैं रूल 4 को फॉलो करते हैं तब, क्योंकि रूल 4 फॉलो करके ही तो आप लोग को आंसर करना है एग्जाम में. सो एक्चुअल रेंट निकालने के लिए आप एनुअल, जितना एनुअल रेंट है 9 आपका 4,50,000, उससे आप अनरियलाइज रेंट को माइनस करके 3,50,000 बिकम माई एक्चुअल रेंट. अगर मैं ऑल्टरनेटिव व्यू को फॉलो करेंगे, माई एक्चुअल रेंट इज 4,50,000. फ्रेंड्स,
सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपका 4,80,000 हो जाएगा अल्टरनेटिव व्यू में, इधर भी 4,80,000 है। 4,80,000 से आप अगर म्युनिसिपल टैक्स 60 माइनस करेंगे तो 4,20,000 अल्टरनेटिव व्यू में, अनरियलाइज रेंट भी माइनस होगा 1,00,000, तब 3,20,000। फ्रेंड्स अगर मैं नॉर्मली जिस तरह रूल 4 फॉलो करके प्रॉब्लम करते हैं तो मेरा नेट एनुअल वैल्यू आपका 4,20,000। अल्टरनेटिव वे ऑफ कैलकुलेशन अगर फॉलो करेंगे तो नेट एनुअल वैल्यू मेरा, नेट एनुअल वैल्यू मेरा 3,20,000 रहेगा। फ्रेंड्स मेरा नेट एनुअल वैल्यू 3,20,000। सो इसी प्रॉब्लम में 4,20,000 रूल 4 फॉलो करने से और 3,20,000 अगर आप अल्टरनेटिव व्यू लेते हैं, इसलिए आंसर विल बी डिफरेंट, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 4,20,000 का ऊपर इधर कैलकुलेशन है। आप देख लीजिए हम लोग जो कैलकुलेशन किए हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन 1,26,000, दिस इज ऑन 4,20,000, बट इधर अल्टरनेटिव व्यू में आप 3,20,000 का ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% आप कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए आपका डिडक्शन होगा 96,000। फ्रेंड्स 96,000 डिडक्शन है, इसलिए इधर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,69,000, इधर आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 1,99,000। इंटरेस्ट पार्ट सेम रहेगा, 24B इंटरेस्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। सो दिस इज ए प्रॉब्लम, मैं आपको तीनों प्रॉब्लम आज डिस्कशन किए इसी क्लास में, जिसमें आपका सेम था रूल 4 और अल्टरनेटिव व्यू सेम था, जो कि आपका नेट एनुअल वैल्यू सेम रहता था, बट दिस इज ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम हायर नेट एनुअल वैल्यू और आपका नेट एनुअल वैल्यू अंडर रूल 4 फॉलो करके, नेट एनुअल वैल्यू अल्टरनेटिव पर्पोज में जो अल्टरनेटिव मेथड इसमें अलग होता है, और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी दोनों में अलग होता है। देयरफॉर फ्रेंड्स मैं सीएमए और सीए फ्रेंड्स लोग को बोलते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस ऑफ 30 इयर्स बोलता है कि इसी तरफ जहां थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, प्रॉब्लम का डाइवर्जेंस होता है, इंस्टीट्यूट उसका ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता है क्वेश्चन बनाने का टाइम में। सो फ्रेंड्स होप यू विल टेक दिस इलस्ट्रेशन 7 एज ए प्रॉब्लम फॉर रिविजन एंड एज ए प्रॉब्लम हायर द क्वेश्चन एरिया इज देयर, राइट। Then we are coming to the deemed to be let out house property. जो मान लीजिए कि कोई कहां एक house property है जो कि 4 self occupied, इसमें SSC maximum 2 house property को self occupied पकड़ सकते हैं, और 2 हाउस प्रॉपर्टी इज कंसीडर एज डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स जो डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी इन केस इन दैट इन दिस पर्टिकुलर केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपेशन कोई एक्चुअल रेंट नहीं है,
क्योंकि वो तो सेल्फ ऑक्यूपाइड ही है, चार पांच हाउस प्रॉपर्टी, उसका जो भी आपका एक्सपेक्टेड रेंट वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल रेंट इज नील। और एक बार आपको बोल देते हैं, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स का फोर हाउस प्रॉपर्टी इज देयर, फोर हाउस प्रॉपर्टी चार इज सेल्फ ऑक्यूपाइड, इसमें कोई दो हाउस को वो लोग पकड़ सकते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड, और दो हाउस आपका डीम टू बी लेट आउट हाउस। ये लेट आउट नहीं है, डीम्ड मीन्स इट इज नॉट लेट आउट, बट फॉर द कैलकुलेशन पर्पज वी आर मेकिंग इट लेट आउट एज इफ लेट आउट। डीम टू बी लेट आउट का मतलब एज इफ लेट आउट। सो इसमें आपको एक्चुअल रेंट तो नहीं होगा क्योंकि ये रेंट में नहीं था। सो जो भी आपका एस्टिमेटेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट, एस्टिमेटेड नहीं एक्सपेक्टेड रेंट, वही आपका ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगा। सो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करके जो मिलेगा ये हो जाएगा आपका नेट एनुअल वैल्यू। नेट एनुअल वैल्यू से आपको 24 में जो भी डिडक्शन है देना है और इंटरेस्ट माइनस करना है, इसमें इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है, याद रख दीजिए, इसमें इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है क्योंकि वो डीम टू बी लेट आउट हाउस, और जो भी मिलेगा उसको हम बोलेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो फ्रेंड्स, हियर वी विल ऑल्सो स्टार्ट विथ द प्रॉब्लम ऑन दिस पर्टिकुलर डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी। और एक बार बोल देते हैं, वो जो डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होता है, जो डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी होते हैं उसमें आपका एक्चुअल रेंट कुछ नहीं होता है। दिस इज योर डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस। सो डीम्ड टू बी लेट आउट हाउस केस में ये इसी तरह का फॉर्मेट को फॉलो करना है। सबसे याद रखना है कि आपको जो एक्सपेक्टेड रेंट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये आप याद रखिए, एक्चुअल रेंट नहीं है। Now I am coming to illustration 8. Friends, जो illustration 8 है, Ganesh has 3 houses, all of which are self-occupied. इनका 3 house is there and all the houses are self-occupied. इसमें मैं आपको बोले हैं कि तीन हाउस से दो हाउस ये सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ सकते हैं, उसका डिटेल्स भी दिया है, आप स्टडी मेट से देख सकते हैं, ये स्क्रीन से भी देख सकते हैं, आप लेटेस्ट स्टडी मेट लीजिए जो कि असेसमेंट ईयर 23-24 प्रीवियस ईयर 22-23 डील करता है, क्योंकि आप लोग को जो भी एग्जाम है उसमें असेसमेंट या 23-24 वो पूछ सकता है। कंप्यूट गणेश इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सजेस्ट व्हिच हाउस टू बी ऑप्टेड बाय गणेश टू बी असेस्ड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड सो दैट हिज टैक्स लाइबिलिटी इज मिनिमम। फ्रेंड्स, इधर थोड़ा टैक्स प्लानिंग करना है, इनकम टैक्स ये तीन हाउस से किसको सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ेगा किसको नहीं पकड़ेगा उसका बारे में कुछ नहीं बोलता है। इनकम टैक्स बोलते हैं कि आप कोई भी दो हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ सकते हैं,
अगर जिसका एनुअल वैल्यू कम है उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड लेंगे तो दूसरा हाउस तो मेरा लेट आउट हो जाएगा, डीम्ड टू बी लेट आउट, तब टैक्स ज्यादा लग जाएगा। सो क्या करना है, जो हाउस का एनुअल वैल्यू ज्यादा है, तीनों हाउस से जो दो हाउस का एनुअल वैल्यू ज्यादा है उसको पकड़ेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड। सो जिसका एनुअल वैल्यू कम है उसको लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट पकड़ लेंगे, तब मेरा टैक्स कम हो जाएगा। अगर आप इनकम टैक्स कंसल्टेंट है तो आप तो वही करेंगे, क्योंकि एसएससी का फॉर्म आपको थिंकिंग करना है कैसे लीगली आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो दोनों हाउस का एनुअल वैल्यू ज्यादा होता है उसको आप सेल्फ ऑक्यूपाइड सोच के उसका एनुअल वैल्यू को नील कर दीजिए, और जिसका एनुअल वैल्यू कम है, रिलेटिवली लेस है, उसको आप डीम टू बी लेट आउट करके टैक्स कैलकुलेशन कर दीजिए, इसमें आपका एसएससी का टैक्स कम हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इधर देखिए, हाउस नंबर वन का म्यूनिसिपल वैल्यू 3 लाख, फेयर रेंट 3,50,000, स्टैंडर्ड रेंट 3,50,000। अगर मैं हाउस वन को पकड़ते हैं, ये 3,50,000 इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू, ये पता हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट आपका 3,50,000, एक्सपेक्टेड रेंट आपका 3,50,000, एक्सपेक्टेड रेंट इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इधर भी आप देख लीजिए, 3,60,000, 2,75,000 और 3,70,000। सो इसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू, एक्सपेक्टेड रेंट आपका 3,60,000 होगा। स्टैंडर्ड रेंट ज्यादा है ना, इसलिए 3,60,000 होगा, और 3,60,000 इज योर, ये जो 3,60,000 इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर इधर देखिए, ये 3,30,000, 3,80,000 और 3,75,000 स्टैंडर्ड रेंट, 3,75,000 म्यूनिसिपल टैक्स भी आप माइनस कर दीजिए, नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा। आप इधर क्या देखते हैं ना, म्यूनिसिपल वैल्यू, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, ये 12%, 8%, 6%, जितना है उसको माइनस कर दीजिए, नेट एनुअल वैल्यू आपका इसी तरफ है। फ्रेंड्स, तीनों का नेट एनुअल वैल्यू निकालने का बाद हमको पता होता है, मैं तीनों का फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट उसको लेस कर दिए। तीनों का लेस करने का बाद देखते हैं कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किसका कितना होता है। पहले मैं सोचे कि तीनों ही डीम टू बी लेट आउट एक वर्किंग कर लेते हैं, दिस इज नॉट द एक्चुअल आंसर। देखते हैं कि ये तीनों से टैक्स इनकम कहां ज्यादा होता है। इनकम जहां ज्यादा होगा वो दो हाउस को मैं पकड़ेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो हाउस नंबर वन और हाउस नंबर टू, इसमें आपका टैक्सेबल इनकम ज्यादा है। मैं आपको बोले थे आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालिए, फिर म्यूनिसिपल टैक्स भी माइनस कर दीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन इंटरेस्ट सब माइनस करके आप देखिए कहां आपका इनकम ज्यादा होता है, क्योंकि आपको एसएससी को बेनिफिट देना चाहिए। हाउस नंबर वन और हाउस नंबर टू, ये दोनों में आपका इनकम ज्यादा है, इसलिए ये दोनों को मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ लेंगे। दिस टू हाउसेस विल बी कंसीडर एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये दोनों।
or the third house will be considered as let out. So first को self occupied पकड़े हैं, इसमें interest का deduction हमको 30,000 सो फर्स्ट हाउस को अगर मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ते हैं सो हाउस नंबर ऑप्शन वन हाउस नंबर वन एंड टू सेल्फ ऑक्यूपाइड थर्ड डीम टू बी लेट आउट. ऑप्शन टू में वन और थ्री सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस टू डीम टू बी लेट आउट और ऑप्शन थ्री में हाउस टू एंड थ्री सेल्फ ऑक्यूपाइड House one deemed to be let out. ये सिर्फ explain करने के लिए, इसलिए पहले देखिए कि option one उसमें आपका one and two दोनों ही self occupy, दोनों ही आपका one का तो nil है tax क्योंकि कोई interest नहीं है. Second में interest है 55 but आपको 30,000 आपको छूट मिलेगा 30,000 ओनली. क्यों? ना मनी इज बोरोड फॉर रिपेयर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी सो आपको 30,000 छूट मिलेगा. सो सेकेंड हाउस में आपका इनकम फ्रॉम सेकेंड हाउस विल बी 30,000 और थर्ड आपका 73,640 होगा जो हम लोग कैलकुलेशन किए हैं क्योंकि थर्ड हाउस इज डीम्ड टू बी लेट आउट. थर्ड हाउस में आपका जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है वो 73,640 वही होगा आपका थर्ड हाउस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आपका 43,640 होगा. दिस इज योर ऑप्शन वन. देन यू कम टू ऑप्शन टू. ऑप्शन टू में वन और थ्री पकड़ते हैं. वन तो सेल्फ ऑक्यूपाइड कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए वन से आपका इनकम नील है और सेकेंड हाउस को हम लोग पकड़ते हैं डीम्ड टू बी लेट आउट. थर्ड हाउस में आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड पकड़ते हैं. थर्ड हाउस में आपका इंटरेस्ट 1,75,000 ये किसके लिए ना This is money borrowed for purchase of house property. Friends, अगर आप self-occupied house property है and money borrowed for purchase or acquisition and construction of the house property, आपको maximum 2,00,000 तक छूट मिलेगा. इधर तो interest है 1,75,000, इसलिए आपको 1,75,000 will be the negative income or loss from self-occupied three number house. और second house में आपका 1,76,840 income, इधर आपका loss 1,75,000, आपका net income from house property is 1,840. So this is how you can calculate the second option. ये first option में आप देखते हैं income from house property 43,640. Second option में आपका आता है 1,840. काफी कम हो गया income. अब आते हैं third option. Second और third को आप self occupied पकड़ लीजिए house number one deemed to be let out. हाउस नंबर वन अगर डीम टू बी लेट आउट तो हाउस नंबर वन का इनकम कितना था जो पहले में कैलकुलेशन किए थे वो 2,19,800 और हाउस नंबर टू हाउस नंबर थ्री ये 1,75,000 और 30,000 दोनों डिडक्शन आपको मिलेगा बट रेस्ट्रिक्टेड टू 2,00,000. इसलिए आपका आप इंटरेस्ट कितना 30,000 फॉर रिपेयर और कंस्ट्रक्शन के लिए 1,75,000 ये परचेस के लिए 2,05,000 होता है टोटल बट
इंटरेस्ट आपका मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख, सो 2 लाख अगर माइनस करेंगे तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 19,800 आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये तीनों ऑप्शन से देखते हैं कि ऑप्शन टू, ये टू में आपका इनकम कम होता है, इसलिए दिस ऑल्टरनेटिव, दिस ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, दैट इज हाउस नंबर 1 and 3 विल बी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड हाउस नंबर 2 विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट। दिस इज एक्सप्लेन्ड टू यू टू कोप अप विद द टैक्स प्लानिंग। जो टैक्स जहां कम लगेगा वही आपका सही आंसर है, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट व्हिच हाउस प्रॉपर्टी शुड बी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड व्हिच हाउस प्रॉपर्टी शुड बी टेकन एज डीम्ड टू बी लेट आउट। सो दिस इज ए पार्ट ऑफ योर आंसर। सो दैट दिस इज I consider this problem as an important for and before exam you should mark it and go with the preparation. So problem number 7, problem number 8, these are 2 problems which are little bit different and the examiner may come out with the questions from this area. So this is definitely a question area. So friends, in this class we have covered up to this one and we will again go for the other parts. In this way we shall cover the entire things in detail. So friends, thank you. If you like my video, please subscribe and offer your comments. You can also place your view or your difficulty. I will definitely come out with the answer. Friends, thank you.